ताजा खबरों के लिए सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को दबाइए और विशाखा टाइम्स की सारी नोटिफिकेशन पाइए। नमस्कार, स्वागत है आपका विशाखा टाइम्स न्यूज में। जी, मैं इस समय नोएडा सेक्टर 21A के स्टेडियम में हूँ, जहाँ पर शिल्प उत्सव का कार्यक्रम का आयोजित किया गया है। जी, 26 अक्टूबर से लेकर 4 नवंबर तक का यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जी हाँ, यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा। जी, ये इसका महत्व है। जी, शिल्प उत्सव एक कार्यक्रम है जो कि आम आदमी और जनता को सभी को एक जैसा दिखाते हैं। यहाँ पर अन्य प्रकार के स्टॉल्स हैं, दुकानें लगा रखी हैं, कॉस्मेटिक सामान है, होम के रिलेटेड के सामान है। यहाँ पर अन्य प्रकार की स्टॉल्स लगाई गई है, सिक्योरिटी की पाबंदी लगाई गई है और यह यूपी नोएडा एरिया ऑफ एक्सलेंस के द्वारा आयोजित किया गया है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश के हर प्रकार की चीजों से मिलती है। इसको हम एक तरह से कह सकते हैं शिल्पोत्सव को दिवाली मेला। दिवाली मेले के भी यहाँ पे कई प्रकार के दिए हैं, अन्य प्रकार के कॉस्मेटिक सामान से मतलब वुमेन्स क्रिएटिव सारे यहाँ पे प्रोडक्ट्स की सेवाएं उपलब्ध है। शिल्पोत्सव का आज अंतिम दिन है जो अपने यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आइए चलते हैं अंदर और देखते हैं। नोएडा सेक्टर 21 में दिवाली से जुड़े सामान कुछ बिक रहे हैं। जी हाँ, दिए हैं, मूर्ति है, लक्ष्मी जी की मूर्ति है, गणेश जी की मूर्ति है जो बिक रही है यहाँ पे। आइए हम देखें, स्टॉल्स लगी हैं, जैसे कि देख सकते हैं आप, ये मेटल्स के बनाए गए हैं और यहाँ के जो दुकानदार व्यक्ति हैं, आइए उनसे बात करेंगे इस विषय के बारे में। ये जो स्टॉल आपने लगाई है यहाँ पे 26 अक्टूबर से स्टार्ट की थी जी सर, और आज अंतिम दिन है, आपको कैसा लग रहा है, आपकी बिक्री हुई या नहीं या फिर कुछ कम बिका नहीं बिका ऐसा कुछ? नहीं सर, टोटल मिला के ओवरऑल अच्छा रेस्पॉन्स है। आप कवर सब कुछ हो गया एक तरह से? जी सर। यहाँ पे आपने क्या क्या रखा हुआ है, क्या क्या स्टॉल्स में सामान लगा रखा है आपने? ये सर ब्रास का सारे आर्टिकल्स बनाए हुए हैं, ये सारा हैंडीक्राफ्ट है, हैंडमेड है ये सारा। तो ये हैंडमेड आप यूपी में बनाते हैं कहीं और? सर ये उत्तर प्रदेश में बनता है अपने मोदी उत्तर प्रदेश के मोदी नगर में। जो स्टॉल्स के यहाँ पे कार्यक्रम जो है, ये मेडल्स से बनाए गए हैं, मूर्ति है और दिए के कार्यक्रम है, जिसे तरीके से दिवाली का जो है सारा कुछ आइटम जो है ये दिवाली का रिलेटेड का सामान है। जी हाँ, गौतम बुद्ध की मूर्ति है, श्री कृष्ण राधे की मूर्ति है, ये सब हैंडक्राफ्ट है मोदी नगर उत्तर प्रदेश से। जी, अभी हम लेडीज गार्मेंट्स के स्टॉल्स पे आ चुके हैं, जहाँ पे हम दुकानदार से बात करेंगे और बात करेंगे कि आज अंतिम दिन का कैसा रहा। जो आपने स्टॉल लगाई है कब से लगाई है? हमने शुरुआत से स्टॉल लगाई थी, मतलब सेकंड डे से लगाया था। तो आज अंतिम दिन है, क्या आप मिस कर रहे हैं कि क्या और दिन लंबा टाइम मिलता और होना चाहिए था? कम से कम धनतेरस तक होना चाहिए था। तो ये आप जो प्रोडक्ट लगा रखा है वो क्या है, किस बेस के ऊपर है? मेरा कंप्लीट होम डेकोर और एथनिक वेयर है। तो ये आप हैंडक्राफ्ट करते हैं या फिर मार्केट से लेके आते हैं? हम लोग खुद मैन्युफैक्चर करते हैं। कहाँ से? द्वारका। द्वारका दिल्ली। तो ये जो प्रोडक्ट है ये एज के बराबर के लिए है या फिर किसी एक लिमिट एज के लिए? नहीं, ये सबके लिए, हर एज के लिए, स्पेशली यंग एज टू लेके, और जो होम डेकोर तो हर तरह के लोगों के लिए आता है। कपड़ा यूज करते हैं, क्या क्वालिटी इस कपड़े की? प्योर कॉटन। सोमदेव विश्वास जी, ये स्टॉल लगाई है आपने, कब से लगाई है? मैं कोलकाता से आया। कोलकाता से आप हैं? ये जो सारा प्रोडक्ट है ये हैंडक्राफ्ट है या फिर मैन्युफैक्चर लिया आपने? ओरिजिनल हैंडीक्राफ्ट है। तो ये कोलकाता में बनाया जाता है? कोलकाता शांति निकेतन, जो रविंद्रनाथ यूनिवर्सिटी है वो कैंपस का ही आदमी है मैं, तो वहीं पे बनता है सब? बनता है। तो ये सारा जो बनाया आइटम्स बनाया गया है ये कौन से कपड़े का, मतलब क्या है? ये सिल्क पे, कॉटन में, वॉल कपड़ा में। कोई ऐसी खास बात? खास बात है रविंद्रनाथ टैगोर का वाइफ प्रतिमा देवी, ये जो विलेज का जो लड़की उन वो आदमी को सिखाया रविंद्रनाथ, जो वर्ल्ड पोएम
जो नोबेल मिला था उसका वही प्रतिमा देवी। प्रतिमा देवी एक काम सिखाया था, दिस इज कथा। यही कथा विलेज का लड़की सिखाया, उसको बाद वो बराबर एक कथा ऑल इंडिया में ऑल वर्ल्ड में छड़ाया। कहते हैं कि अगर यूपी आए और पान ना खाए ऐसा तो नहीं होना चाहिए। शिल्प उत्सव में एक पान की भी स्टॉल लगाई गई है। जी हाँ, आप देख सकते हैं मेरे पीछे पान की जो स्टॉल है वो यहाँ पे उपलब्ध है। देखने से तो ऐसा लग रहा है बहुत ही लजीज और स्वादिष्ट होगा पान ये। ठीक है, आइए उनसे बात करेंगे, पान की दुकान वाले से। जी, हमारा नाम विपिन पांडे। आप कहाँ से आए हैं और पान की जो दुकान आपने लगा रखी है? जी, हम बनारस से आए हैं। तो एक तरह से हम बनारसी पान कह सकते हैं इसको? बनारसी पान सर नॉर्मल मीठा होता है, फुल मीठा, विदाउट सुपर ही होता है और इसमें सब फूड का आइटम होता है। कुछ पान की खासियत बताइए। खासियत ये होता है सर, इससे खाने से कोई इफेक्ट नहीं है, ये खाते ही घुल जाता है और सुपारी नहीं होता है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी खा सकता है आराम से। और ये मीठा पत्ता यूज करते हैं, आसाम का मीठा पत्ता होता है उसको हम यूज करते हैं और मीठे पान में कोलकाता पान यूज करते हैं, जो सादे पान में गुंडी पान होता है। जो कितने तरह के पान आपने यहाँ पे लगा रखे हैं? जी, यहाँ पे कम से कम हम 15-20 तरह के पान लगा रखते हैं, मीठा, सादा, चॉकलेट, आइस पान, स्ट्रॉबेरी, ऑरेंज, पाइनएप्पल, मैंगो, रोज पान होगा। तो आज अंतिम दिन है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? कुछ मतलब क्या बोलते हैं, लाभ हुआ या हानि कुछ इस प्रकार? जी, 8 साल से ये मेला हम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश टूरिज्म विभाग का। बाकी हमें इस बार जो है 2-3 दिन थोड़ा दिक्कत हुआ था, उसके बाद से हमारा नॉर्मल ठीक रहा, अच्छा रहा। मतलब सब कुछ बैलेंस रहा एक तरह से मान सकते हैं? नोएडा वाले पूरे बनारस से आके बसे हुए हैं, इसलिए यहाँ पे अच्छा रिस्पांस है, लोगों को चार्ज भी है पान के, तो इसलिए हमें ठीक है, संतुष्टि है। सेक्टर 21 ए के नोएडा के शिल्प उत्सव के मार्केट हमने बहुत घूम ली है, लोगों से बात भी कर ली है, जनता से बात करेंगे कि उनको कैसा महसूस हुआ इस मार्केट में। आइए चलते हैं। यहाँ की मार्केट में कुछ आपको अंतर नजर आया या भी सबकी एक जैसी मार्केट होती है? नहीं, डिफरेंस तो है, जो मार्केट वैसे लोकल में नहीं मिलता यहाँ पे उससे अलग हटके मिलता है सामान। तो मतलब कुछ ही दिनों में एक हर प्रकार के सामान यहाँ पे उपलब्ध है, तो खरीदारी में लोग यहाँ पे कैसे महसूस, आप कैसे महसूस कर रहे हैं? हाँ, दिवाली की शॉपिंग चल रही है तो उस टाइप के तो यहाँ पे है सामान, है अलग हटके मतलब मार्केट से। तो एक तरह से देखा जाए कि जो नोएडा शिल्पोत्सव बनाया जाता है एज अ दिवाली के लिए, एक तरह से सामान खरीदारी के लिए आता है। हाँ, मेन मकसद यही होता है कि दीपावली की जो है शॉपिंग हो वो एक प्रॉपर तरीके से हो, और शॉपिंग करते ही हैं लोग ज्यादातर। तो सुमन नोडियाल जी, तो मैम आप नोएडा से आए, कहीं और से आए? नहीं, हम लोग सेक्टर 22 से आए हैं। सेक्टर 22 अंदर पास से ही हैं। ये जो शिल्पोत्सव का महोत्सव आयोजित किया गया है यहाँ पर, तो मार्केट है काफी यहाँ पे, तो आप शॉपिंग करके कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा लग रहा है, यहाँ पे थोड़ी अलग सी चीजें हैं जो और कहीं मिलती नहीं है, वो यहाँ पे डिजाइन बहुत यूनिक है और अच्छी चीजें मिल रही है, तो अच्छा लग रहा है देखना, और ले भी रहे हैं हम लोग। और लास्ट दिन है तो भीड़ भी काफी है, हम एक बार पहले आए थे तो थोड़ा कॉस्टली था, लेकिन आज थोड़ा रीजनेबल लग रहा है। तो एक तरह से देखा जाए कि बाहर की दुकानें और यहाँ की दुकानें काफी अंतर है या नहीं? हाँ, अंतर तो है, वैरायटी ज्यादा है और अच्छी चीजें मिल रही हैं, अलग मिल रही है मार्केट से। सुरक्षा बल के प्रति आप लोगों ने क्या सही? हमने हर गेट पर सुरक्षा व्यवस्था के 4-4 सिपाही लगा रखी है सब जगह, और 2 पार्टी पेट्रोल भी लगा रखी है, जो सांस्कृतिक प्रोग्राम होता है उसके दाई तरफ, बाई तरफ और आगे पीछे पुलिस बल लगा रखा है। नहीं, सब ठीक रहा, सब शांति रहा, हमारे साथ प्राइवेट गार्ड भी लगे हैं बहुत से, वो भी मदद कर रहे हैं हमारी, और हमारे जवान अच्छी तरह से कार्य कर रहे हैं, सतर्कता से ड्यूटी कर रहे हैं, सब ठीक रहा, सक्सेसफुल मेला रहा, आज समापन है। मनोज कुमार, आप यहाँ पे कब से आ रहे हैं खरीदारी के लिए? बस जैसे लगते तो हर साल लगता है, तो जब लगता है तो हम लोग 2-3 बार आ ही जाते हैं मार्केट में। कैसा महसूस करते हैं आप यहाँ की मार्केट में आके? अच्छा महसूस करते हैं। अच्छा, लोकेशन आप यहाँ पे आते हैं, बाहर की दुकानें और यहाँ की दुकानें से कुछ अंतर आपको नजर आता है? बहुत अंतर है। जैसे सामान अच्छे हैं, अच्छे हैं, हर तरह के हैं, जैसा सामान है वैसा रेट है, तो आदमी को जैसा बजट होता है वैसा सामान ले लेता है। वैसे आप लोगों ने क्या खरीदा आज के मार्केट में? आज के मार्केट में हमने कुर्ता खरीदे, कुछ लकड़ी का सामान खरीदे,
है, एक आप खरीदे बैग जैसे होती है लेडीज बैग वो खरीदे। तो आप मिस कर रहे हैं क्या से, कुछ और लंबा दिन होना चाहिए था, कुछ और समय तक यहाँ सिलपोसा का महोत्सव रहना चाहिए था। हाँ, अब ये आज लास्ट है, सुन रहे हैं, हम ये चाह रहे थे कि दो चार दिन और रुके तब कुछ और सामान देख कर कुछ समझने की। आपने खूब मजे किए यहाँ पे और अच्छा सामान मिलता है यहाँ पे क्रस से? हाँ, सामान अच्छा मिलता है। बहुत लोगों से बात करी और हम मार्केट में घूमे काफी। जी हाँ, यहाँ पीछे लिखा हुआ है यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा। काफी सारी स्टॉल्स हैं, काफी लोगों से बात करी, उन्हें काफी अच्छा लगा और काफी लोगों से काफी रिव्यू भी काफी अच्छे अच्छे मिले हैं। उनका कहना था कि काश कुछ और दिन और लंबा रहता है यह सिलपोसा। कुछ लोग कहना है कि धनतेरस तक रहता, कुछ लोग कहते हैं कि दो चार दिन तक और रहता है यह महोत्सव। जी हाँ, फिलहाल के लिए आपसे अलविदा लेते हैं और ऐसे ही कार्यक्रम आपको और दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।